ये दोस्तों यामा R15 वर्जन 3, ये नया BS6 वाला मॉडल है इस गाड़ी का। तो आज हम इस गाड़ी का फुल रिव्यू करेंगे। जो भी स्पेसिफिकेशन होगी गाड़ी की वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। ये इस गाड़ी का ब्लू कलर है। इस गाड़ी में आपको ब्लैक और रेड कलर का ऑप्शन भी मिल जाता है। एक बार इस गाड़ी की आप फ्रंट प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देख लीजिए कि फ्रंट प्रोफाइल से किस कैसी लगती है। काफ़ी अच्छी स्पोर्टी लगती है। फ्रंट में आपको कुछ बड़ा सा वाइजर मिल जाता है सामने इस गाड़ी में। नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलती है। ORVM सिर्फ इस गाड़ी के आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मिलता है स्पेस टाइप का। उसके नीचे आपको इसमें LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी शार्प डिज़ाइन से लगाए गए हैं इस गाड़ी में। और यहाँ पर आपको फ्रंट में मड गार्ड ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। और ये जो आप अलॉय व्हील देख रहे हैं ये ब्लू कलर का है। ये ब्लू कलर गाड़ी का ही है इसलिए इसमें ब्लू कलर का अलॉय व्हील भी आपको मिल जाता है। 282 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और इस गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। ABS की ब्रांडिंग इसकी फेयरिंग में दी गई है। एक बार इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। साइड से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है देखने पर। यहाँ पर आपको VVA की वेजिंग भी मिल जाती है, आप देख सकते हैं, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन की, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी इंजन की। नीचे यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको नीचे R13 की वेजिंग भी मिल जाती है। इंजन आपको पूरा कवर मिलता है फेयरिंग से। यहाँ पर आपको यामाहा लिखा है नीचे वाइट कलर से। और इसका टायर साइज आप देख सकते हैं 180 सेक्शन के 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। इस गाड़ी का टैंक आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी बड़ा टैंक है इस गाड़ी का। 11 लीटर का कैपेसिटी मिलती है इस गाड़ी के टैंक की। आपको इंजन की बात करें में आपको 155 cc का इंजन मिलता है जो कि 18.6 PS की पावर जनरेट करता है और 14.1 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है। पहले के मुकाबले इसकी पावर 1 BHP से कम हुई है। पहले 19.3 PS की पावर जनरेट करती थी ये गाड़ी, 18.6 PS की पावर जनरेट करती है। इस गाड़ी के साइलेंसर को भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको फाइबर फिनिश मिल जाती है इसके साइलेंसर में। और इसकी सीट हाइट भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा इसकी सीट हाइट है पीछे की। रियर की तरफ चलते हैं तो आप इसकी एक बार यहाँ से भी प्रोफाइल अच्छे तरीके से देख लीजिए। रियर प्रोफाइल आप एक बार अच्छे तरीके से इसका पूरा लुक ले लीजिए कि किसी कैसी लगती है पीछे से। यहाँ पर आपको पीछे इस गाड़ी में LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि रात में देखते समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देख लीजिए आप, नीचे आपको यहाँ नंबर प्लेट लाइट भी मिल जाती है और इंडिकेटर उसी के बाजू में आपको दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, 4-स्ट्रोक इंजन। गाड़ी की 1990 mm है चौड़ाई, इस मतलब विड्थ इस गाड़ी की 1725 mm है और ऊंचाई मतलब हाइट 1135 mm इस गाड़ी की। में भी आपको इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है और 17 इंच का अलॉय व्हील भी इस गाड़ी में आपको रियर में देखने को मिल जाता है। रियर की जो टायर की प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसके टायर से इस गाड़ी का। यहाँ पर आपको नीचे मोनोशॉक सस्पेंशन इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड गेयरबॉक्स भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी की चेन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड पर मिलता है इस गाड़ी में। जो इसका एक और स्टैंड आता है डबल स्टैंड, वो इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर भी आपको R15 की बैजिंग मिलती है। इंजन आप देख सकते हैं इस गाड़ी का। और इस गाड़ी की सीट की बात करें, सीट आप इस गाड़ी की देख लीजिए। यहाँ पर आपको सीट अच्छी खासी कंफर्ट मिल जाएगा इसकी सीट में, लेकिन उतनी कंफर्ट ड्राइवर के लिए नहीं है। ये गाड़ी स्पोर्ट सेगमेंट की है इसलिए इसे चलाने में उतना आपको कंफर्ट महसूस नहीं होएगा। पिलियन के लिए आपको ग्रैब रेल यहाँ नीचे दिया गया है जो कि आपको देखने पर दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ आप अपना हाथ इसे ग्रैब करके पकड़ सकते हैं। और सीट के बीच में ही आपको वहाँ चाबी मिल जाती है। इसका टैंक आप एक बार देख लीजिए, 11 लीटर्स की कैपेसिटी इसके टैंक की। हैंडल बार भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का हैंडल बार मिलता है इस गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का 170 mm है और कर्ब वेट इसका 142 kg है। हैंडल बार कंट्रोल आप देख सकते हैं, आज काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है इसके कंट्रोल्स की। फील होती है आपको पकड़ने पर ही। इस साइड आपको इंजन के स्विच भी मिल जाता है इस गाड़ी में और नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल मिलता है। एक बार आप इसको ऑन करके भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, जिसका जो लुक आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाई बड़ी पहले लिखा आता है इस गाड़ी में, 155 लिखा है। इंजन के VVA टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग भी आती है। बंद करते हैं तो आपको CUV लिखा आएगा इस गाड़ी में। डुअल चैनल ABS आता है, न्यूट्रल की लाइट, इंजन की लाइट, सभी चीज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। और ऊपर जो व्हाइट लाइट जल रही वो भी आप देख सकते हैं।
इस गाड़ी के ORVMs को भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, काफ़ी अच्छे ORVMs इसके। रिव्यू इसकी प्राइस की बात कर लें, शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से गाड़ी आपको 1.4 लाख रुपीज़ शुरू होकर 1.50 लाख रुपीज़ तक की मिल जाएगी। ऑनरोड प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी आपको लगभग 1,80,000 तक की पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।